मॉर्निंग गाइस, करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। और सुबह हो चुकी है, मैं उठ चुकी हूँ। अभी तक बिस्तर मैंने नहीं समेटा, मैं बाहर डाइनिंग एरिया वाले रूम में ही सो रही हूँ। दिखाती हूँ आज मैं क्या बना रही हूँ। स्पेशल बन रहा है आज यहाँ पे दाल मखनी। दाल जो है वो बॉयल हो चुकी है, यहाँ पर तड़का तैयार हो रहा है। और बस अभी थोड़ी देर में विक्की जाएंगे ऑफिस, तो मेरी इवनिंग ड्यूटी, उन्हीं के टिफिन की तैयारी कर रही हूँ, दोनों के एक्चुअली। सो गाइस, अभी अभी हम लोग तोई तोई कल के उठ गए, है ना चुने? हाँ, ना चुने? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो शूट की थी, और उसके बाद मैं ऐसे ही साइड में बरिश का सो रही थी, कपड़े चेंज किए, मम्मा भी साइड में चुई चुई करने लग गई थी, है ना? है ना? आप लोग बताना आपको वीडियो कैसी लगी लास्ट की। और मेरी नाइट ड्यूटी है, सोने के बाद हालत ऐसी हो गई, मैं बिना मेकअप रिमूव किए ही सो गई थी, क्योंकि वरुष्का सो रही थी, तो बस इसके साथ हगी हगी कल के मम्मा सो गई। आई लव यू, आई लव यू बेटा। और भी की गए हैं गांव, तो वरिष्का की मैं बात करवा देती हूँ एक बार कॉल, वीडियो कॉल पे। पापा से बात करोगे? हाँ। पापा को कितने मिच्छी मिच्छी करोगे? इतनी चाली। आप पुच्ची पुच्ची कितनी करोगे? इतनी चाली। कितनी चाली? इतनी चाली। इतनी चाली, इतनी चाली, इतनी चाली पुच्ची करेंगे हम पापा को मिलके, है ना? इतनी सॉरी कर दोगे पापा को पुच्ची? वन टू थ्री फोर। जस्ट अभी पापा आए थे और घर पे ड्यूटी से आते हुए पापा लेकर आए हैं शेक, खजूर का शेक है, अभी तक पिया नहीं है मैंने। हाँ, ठंडा इसलिए नहीं पिया। और अभी मेरा बेटा उठ गया, तो मम्मा बेटा हम छात में पियेंगे, यम्मी 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 यम्मी, ठीक है। और मम्मा पापा गए हैं अपने घर पे, अब चले गए हैं वो, देखते हैं कब तक आएंगे। ये लो, हैप्पी नानी, चीयर्स चीयर्स, ये ये चीयर्स ये। तो गाइज, मैं हो चुकी हूँ ड्यूटी के लिए भी रेडी, सो भी चुकी हूँ, रेडी भी हो चुकी हूँ, निकलूँगी थोड़ी देर में ड्यूटी के लिए। और दिन में मैंने वीडियो शूट की थी, और ये वाला जो व्लॉग है मोस्ट प्रोबेबली मेरे दोनों पार्ट अपलोड होने के बाद आएगा। एंड एक गुड न्यूज़ जस्ट अभी पता चली कि ओलंपिक्स में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है, नीरज चोपड़ा ने, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, इंडिया को फर्स्ट गोल्ड मेडल जो है आफ्टर 2008 अब की बार मिला है, तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम लोगों के लिए। और आप भी तो सब लोगों ने स्टेटस पे जो है ना सिर्फ नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा सबकी फ़ोटो लगाई हुई है, बट हाँ जी, बट भाई हर उस प्लेयर को सैल्यूट जो भी ओलंपिक्स में गया, जिसने भी एफर्ट लिया है। हाँ जी, खोल दिया, ये ले लो, गिराना नहीं है, ठीक है। तो हर उस प्लेयर को भाई बहुत बड़ा सैल्यूट है जिसने भी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। जीतना हारना ये दो ही चीज़ें हो सकती हैं एक गेम में, और तीसरी तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो भाई हर कोई अपना बेस्ट देता है, बाकी आगे तो यार कंपटीशन है, कंपटीशन में हर कोई तो फर्स्ट आ नहीं सकता, बट खुशी है कि हम लोग जो है अपना गोल्ड मेडल इंडिया में लेकर आ रहे हैं। और अभी अभी ना जस्ट मैं इंस्टाग्राम पर नीरज चोपड़ा का प्रोफाइल देख रही थी कि ऐसे मतलब उसमें ना लोग, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे एक चीज़ बहुत अजीब लगती है कि यार बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो ओलंपिक्स में गए हैं जिनको लोग फॉलो भी नहीं करते, लेकिन अभी जैसे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है तो लोगों ने उनको धड़ाधड़ इंस्टाग्राम पे ना ऐसे ही उठा डे 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 डे, मतलब एक एक सेकेंड में उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। तो यार वही चीज़ है कि उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है कि भाई जो पावर में होता है, हाँ जी,
जिसके पास पैसा होता है और जिसके पास सक्सेस होती है, सब उसको अप्रिशिएट करते हैं, सब उसको फॉलो करते हैं। तो ये सच्चाई है लाइफ की। और जब तक आप एफर्ट करते हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, जब तक आप एफर्ट करते हो, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता, कोई आपके एफर्ट्स की कदर नहीं करता। उसके बाद जब एक बार आप सक्सेसफुल हो जाते हो, दुनिया को लगता है यार ओह हाँ आपने कितने एफर्ट लिए थे, कैसे क्या था। बट ठीक है, ये एक छोटी सी बात है, ये हर किसी पे है, चाहे कोई भी इंसान है, हर किसी पे ये चीज़ अप्लाई होती है। और ये देखो मैं अब अंदर कैसे झांक झांक के कुछ देख रहा है, क्या मजा है, जिसकी मम्मी कुछ रिकॉर्ड कर दे पदोड़ू। तो बस अभी मम्मी पापा आ जाएंगे अपने घर से, वो लेकर जाएंगे वरुष्का को, और मैं बनाऊंगी अभी अपने लिए खाना, सब्जी बना चुकी हूँ, फिर निकलूंगी ड्यूटी के लिए। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा है। और लास्ट की दो वीडियो जिसपे मैंने अपने पूरे दिल की बात खोल के रखी है कि लास्ट एक साल में क्या मुझसे गलतियाँ हुई और कैसे मैं यूट्यूब पे आई, क्या रीज़न था मेरा यूट्यूब पे आने का, कैसे मैंने अपने आप को मोटिवेटेड रखा, बीच में डिमोटिवेटेड भी हुई, बीच में अपने लगा कि यार नहीं ऐसे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मतलब बहुत कुछ था ऐसा। शायद अभी तक मैंने एक और मुझे पार्ट बनाना पड़ेगा जिसमें कुछ चीज़ें मैं भूल चुकी हूँ, या फिर मैं ब्लॉग्स के बीच में वो बातें बता दिया करूँगी आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के साथ जो छोटी सी घंटी है ना उसको भी दबा देना प्लीज़। छोटा सा काम में ये करते हुए चले जाओ, हो गया, ज़्यादा थोड़ी कुछ है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, और फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है बहुत ज़्यादा कि हमें गोल्ड मिला है, इंडिया में गोल्ड आ चुका है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए।